अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और एक चुनावी माहौल जो बना हुआ है, कुरुक्षेत्रा रणभूमि में कन्वर्ट हो चुका है। कुरुक्षेत्रा एक महाभारत कालीन जो क्षेत्र है, आज भी यहाँ पर एक ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे बीच कुछ मौजूद व्यक्ति मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार इनके जहन में कौन सा चेहरा है जिसको ये कुरुक्षेत्रा से लोकसभा चुनाव जिताकर सांसद में भेजने का कार्य करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार जी। सर, मैं अमित जी पिंडारसी से। अब की बार गांव में नवीन जिंदल की जीता और हमारे लोग जो कुरुक्षेत्र में चक्कर में सब तो नवीन जिंदल चला जाते हैं। ऐसा क्या कुछ है कि जिंदल साहब का नाम एक जुबान पर आ रहा है? जिंदल साहब ने पहले बहुत कार्य करे, नेत्रदान, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, बहुत से काम किया, तभी लोग जिंदल को चाह रहे हैं। एक तरफ देखने को यह भी मिल रहा है कि कई लोग जिस प्रकार से भाजपा की अगर बात करें तो पहले उनको एक कोयला चोर भी कहा गया था और आज के दिन में इस मेरी बात सुनो। अगर मोदी की बात लोग झूठ बोलते हैं, मोदी झूठा, फिर इस बात को भी सच कर रहे हैं लोग। कोयले वाली बात को भी झूठे जब बोलते हैं, मोदी झूठा भाई, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, फिर इस बात को भी झूठी साबित करो। ये 10 साल बाद पुरानी पता नहीं राज के साथ क्या होता है, और ये तो बीजेपी सरकार अब पता नहीं 20 वर्कर को कहाँ जाके मौका दे देती है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने अब जानी संसद से कुरुक्षेत्र से और एकदम मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, इस पार्टी में पता लगता कौन वर्कर कहाँ जाए। ये बहुत तो आपको लगता है कि अगर नवीन जिंदल जी यहाँ से सांसद बनते हैं तो लोगों की पुकार सुनेंगे? जरूर सुनेंगे, बहुत बढ़िया। आपकी वोट कहाँ जाएगी सर? मोदी पे जाएगी जी, मोदी पे, मोदी जी के नाम जी। फैन है मोदी के, फैन। आपकी वोट कहाँ जाएगी सर? देश ने आगे ले जाने का काम बहुत ही बढ़िया करा, ये तो जो दिल में भूल है, दुनिया की पब्लिक की भूल है, जो आगे ले जाने का काम करे नहीं मोदी ने करे, इसके सिवा किसी ने नहीं करा। हमारे बीच गांव पिंडारसी से जो पूर्व सरपंच हैं वह भी मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे। सर आप बताइए। नरेंद्र मोदी जी के साथ है बीजेपी, श्री सुभाष सुधा जी, नवीन जिंदल जी, हमारे आदरणीय विकास की तरफ देश को लेके जा रहे हैं, अच्छे बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। नवीन जिंदल जी आदर से उसने घोषणा करी कि मैं बच्चों के लिए फ्री में कॉलेज खोल लूँगा कैथड़ में और कुरुक्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति को चुनो जो सभी युवाओं को आगे लेके जाए। हमारे बीच कुछ और भी मौजूद व्यक्ति हैं जो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी वोट कहाँ जा रही है। सर आपकी वोट किसको जाती है? जिंदल जी को जाएगी। तो चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी को। मोदी ने ऐसा क्या किया कि आप मोदी को वोट? मोदी ने बहुत कुछ किया हमारे ट्रांसजेंडर के लिए, बहुत सुविधा दे रखी है। हाँ जी, हम उसको धन्यवाद करते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत उसको शुभकामनाएं। और मोदी ने बहुत कुछ कर रखा हमारे ट्रांसजेंडर की, जो किसी ने नहीं किया था वो मोदी ने कर दिया। हाँ जी सर, किसको वोट पाना चाहिए? अच्छा जी, क्यों, ऐसा क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस में जी मारा काम जो करा थोड़ा बहुत कांग्रेस नहीं करे, ये नहीं आता और ना करेगी। गरीब तो कभी मार दिया ना, खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने आपको ये कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। सर आप किसकी वोट डालना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में के अंदर हम कार्य हिसाब से वोट डालना चाहेंगे, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर, गाँव के अंदर कार्य करेगा, अच्छा बताव दिखाएगा, उसी के वोट डालना चाहेंगे। जैसे कि पिछले साल में कुछ ऐसा प्लान को कुछ ऐसा दिखता नहीं गया, हमारे गांव की बहुत ही खस्ता तो ही पड़ी है, गाँव की मेन सड़क है जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता ही पड़ी है, उसमें स्कूल में जाने वाले बच्चों को इतना बुरा हाल है, ठीक बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और गांव में जो किसान भाई हैं, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह, उनको भी सीजन के अंदर बहुत दिक्कत आई है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम तो अच्छी सरकार और अच्छा कैंडिडेट लेके आए विधानसभा के अंदर। अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल, एक बार फिर हम गांव में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका मत इस बार लोकसभा चुनाव में किसको जाता है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका, इस बार किस व्यक्ति की वोट आप पाना चाहेंगे? भाई जो हमारा साथ देगा, ठीक है, जो हमारा ध्यान रखेगा, बाकी आपने पता है कि सिचुएशन हो रही है, तो हम तो सच के साथ वोट देंगे। और सच की वोट आप डालना चाहेंगे?
हमारे बीच हमारे ताऊ जी मौजूद है। ताऊ जी, इस बार आप वोट किसकी बन जाएंगे? बोला जाएगी हाँ जी, जो हमारा साथ देगा, हमारे पे ख्याल रखेगा। महंगाई बहुत बढ़ रही है, गरीब आदमी कहाँ से लेंगे जी? हम तो उसे वोट देंगे जो हमारा ध्यान रखेगा जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर जी, हमारा भी कहना यही है, मतलब जो हमारा ध्यान रखेगा उसका ध्यान रखें, मतलब वोट डालनी है, वोट तो रख नहीं सकते। जो कि हमारे मतलब कहानी सुनेगा, हमारा दुख सुनेगा, हम उसी की वोट डाल देंगे। प्रधानमंत्री ने जो काम 10 सालों में किया है, कांग्रेस पार्टी ने इतना काम 55-60 सालों में भी नहीं किया। हमारी छवि जो बाहर के देशों में अब इतनी बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा, नरेंद्र मोदी जी की अप्रूव रेटिंग, जो सुपर पावर अमेरिका भी है, चीन है, रशिया है, और भी जितने कंट्री हैं, इतने मतलब अप्रूव रेटिंग है उनकी, कोई भी उनके मुकाबले में नहीं है, कोई उनका सामने नहीं है। इतने भारत को इतना आगे ले जाएंगे, और आगे आने वाले समय में भारत एक बहुत विश्व गुरु होगा, जो भी है। पुराने समय में सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, अब आने वाले टाइम में विश्व गुरु होगा। विश्व सबसे मतलब भारत से ही जो संस्कृति भारत की है बहुत ही अच्छी है, और नरेंद्र मोदी जी उसी पथ पर चल रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश जैसे चीन और पाकिस्तान है, पहले कुछ भी हो करते थे, जो पुरानी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी, वो कुछ भी 26/11 का जो हमला उसमें हुआ, उसमें कुछ भी नहीं किया, और ये अब घर में घुस कर मारते हैं, जो अब से जो वही है ऐसे इसी के साथ में। हाँ जी, ताई जी, आप किसकी वोट डालना चाहेंगे जी? अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब फ्री क्यों दे रहा, फ्री तेल दे रहा, फ्री राशन दे रहा, सारा क्यों दे रहा? 4-5 सालों में क्यों देना, उसको भी देंगे हम तो, ठीक है, जब बुरा बेचारा चाहता हाँ जी सर, आप जो चुनाव आ रहा है लोकसभा चुनाव, इसमें किसको वोट देना चाहेंगे? हाँ जी, वोट किसको देंगे चुनाव में? अरविंद केजरीवाल का जी। क्यों, ऐसा क्या है केजरीवाल साहब में? बिल्कुल जी, ये केजरीवाल साहब ने ऐसा क्या किया कि उनको आप वोट देना चाह रहे हैं? एक लाइट फ्री में कर रहा जी। हाँ जी, लाइट फ्री में कर रहा, बिजली पानी फ्री में है। हाँ जी, और भी काम कर रहा जी। आप केजरीवाल साहब की तरफ है? हाँ जी। अंकल जी, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी सरकार को देंगे जी। ऐसा क्या है बीजेपी सरकार में सर? जो बीजेपी सरकार काम कर रही है और कोई सरकार नहीं करेगी। क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको प्रभावित करते हैं बीजेपी की तरफ? बीजेपी के कुछ ऐसे काम है जी, जो हर एक आदमी बीजेपी को चाह रहा है, गरीब आदमी भी। हम और लोगों से भी रूबरू होंगे कि किस प्रकार से चुनाव है, वो चुनावी रंगमंच जिसे हम कहेंगे, वो किसको वोट देना चाहेंगे? आइए हम रूबरू होते हैं उन तमाम लोगों से। नमस्ते जी, आप किसको वोट देना चाहेंगे जी? मोदी जी को। मोदी को, क्यों, ऐसा क्या है मोदी? बस कुछ नहीं, वो सबके बारे में सोचते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं। रला मिला संविधान जो देखने को मिल रहा है, लोग बीजेपी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आइए आगे और रूबरू होंगे, हमारे भी सिंह साहब मौजूद है। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। अंकल जी, दसो की है चोन आ रहे ने, किनू वोट देनी है? आपा मोदी नु जाओगी जी? बोलो, मोदी नु जाएगी। मोदी नु, क्या ऐसा की है मोदी च कि आप मोदी नु वोट देना चाहते हो? भाई मोदी मतलब की ठीक है, जेडे पुराने फसे काम है सारे कटी जाता अपने हिसाब। और भी जिवे सुशील गुप्ता खड़ा है, आम आदमी पार्टी का खड़ा है, और लोग खड़े ने, तुसी किनू देना चाहोगे? मोदी तो ही जाऊंगी।